इजरायली सेना ने अपने हवाई हमलों में हिजबुल्ला के कई बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया है। हालांकि हिजबुल्ला ने भी अपने दो जासूसी ड्रोन भेजकर इजरायली सैन्य अड्डों के कई भेद जान लिए हैं। लेकिन हिजबुल्ला के आगे इजरायली सेना हर तरीके से एडवांस है, चाहे उसके हथियार हों या फिर एयर सर्विलांस सिस्टम। इन सभी में आईडीएफ हिजबुल्ला से दो कदम आगे है। और दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के जासूसी ड्रोन हर पल हिजबुल्ला के लड़ाकों और उसके कमांडरों का पीछा कर रहे हैं, जिनसे बचने के लिए अब हिजबुल्ला ने एक बहुत पुराना तरीका खोज निकाला है, जिससे वो अपने कमांडरों को इजरायली हमलों से बचा सके। और आईडीएफ लेबनान में घुसकर बड़े बड़े हमले कर रही है और इन हमलों में उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अहम है। आईडीएफ का कहना है कि उसके पास सिक्योरिटी कैमरा और रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, जिन्हें उन जगहों पर तैनात किया गया है जहां पर हिजबुल्ला ऑपरेट कर रहा है। और आईडीएफ लगातार लेबनान बॉर्डर पर अपने सर्विलांस ड्रोन्स को भेज रही है, जिससे वो हिजबुल्ला की गतिविधियों पर नजर रख सके। लेकिन आईडीएफ के इन हमलों से बचने के लिए हिजबुल्ला ने एक खास तकनीक अपनाई है। वो ये है कि हिजबुल्ला ने जंग के मैदान में मोबाइल फोन्स पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इनकी जीपीएस लोकेशन से ट्रैकिंग की जा सकती है। इसकी जगह हिजबुल्ला ने मौखिक संदेश लेकर जाने वाले पेजर्स और कोरियर्स की तकनीक को अपनाया है, ताकि किसी भी तरह की हलचल आईडीएफ की नजरों में न आ पाए। और यही वजह है कि हिजबुल्ला अब प्राइवेट फिक्स लाइन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, और ये सारा सिस्टम साल 2000 से पहले का है। बड़ी बात यह है कि ये खुलासा हिजबुल्ला से जुड़े सूत्रों ने किया है। इसके अलावा हिजबुल्ला हथियारों और मीटिंग्स से जुड़ी बातों में कोडवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको लेकर हिजबुल्ला से जुड़े कासिम कासिर का कहना है कि हम एक ऐसी लड़ाई का सामना कर रहे हैं जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी आवश्यक अंग है, लेकिन जब आप कुछ तकनीकी प्रगति का सामना करते हैं तो आपको पुराने तरीकों पर वापस जाने की जरूरत होती है, जो भी तरीका आपको तकनीक को दरकिनार करने की अनुमति देता है। वहीं आईडीएफ हिजबुल्ला की जासूसी करने के लिए लोकल मुखबिरों का भी सहारा ले रहा है। इसके अलावा इजरायली सेना लोगों से खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए अरबी भाषा में ही फोन कर रही है। और 22 नवंबर 2023 को एक ऐसी ही घटना हुई थी, जब दक्षिणी लेबनान में एक महिला को एक फोन आया और बात करने वाला फर्राटेदार अरबी बोल रहा था। उसने महिला के घर के सदस्यों के बारे में पूछा तो महिला ने बता दिया कि वो पूर्वी लेबनान गए हैं, और इसी के कुछ ही मिनटों में घर के ऊपर एक मिसाइल आ गिरी, जिसमें हिजबुल्ला के 5 लड़ाके मारे गए। इसमें हिजबुल्ला की राडवन फोर्स के सीनियर मेंबर का बेटा अब्बास राड भी मारा गया था। इसके अलावा बॉर्डर इलाकों में कैमरा लगाकर आईडीएफ हिजबुल्ला की निगरानी कर रही है, और इन वीडियो फुटेज की मदद से आईडीएफ हिजबुल्ला के लड़ाकों पर सीधे हवाई हमले कर रही है। और इसी वजह से 28 दिसंबर 2023 को हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान में लोगों से कहा था कि वो इंटरनेट से जुड़े अपने सिक्योरिटी कैमरों को तुरंत हटा दें। और इसके बाद फरवरी में हिजबुल्ला ने जंग के मैदान और आसपास के इलाकों में मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया था। यहाँ तक कि राजधानी बेरूत में भी हिजबुल्ला के नेताओं से मीटिंग में आते वक्त मोबाइल फोन नहीं लाने की सलाह दी गई है।